तो भाई आज तक का सबसे जबरदस्त सॉफ्टवेयर होने वाला है। इसमें आप फीचर देख सकते हैं बिल्कुल जबरदस्त दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस तरफ इसकी ब्रांड दी गई है। जैसे हम यहाँ पे एप्पल पे क्लिक करेंगे, एप्पल का यहाँ पे टैब खुल के हमारे सामने आ जाएगा। लगातार ही बात करने वाले हैं यहाँ पे, उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपका मोबाइल कौन सा है, कौन से पे कहाँ नंबर आने वाला है। तो सबसे पहले एप्पल की बात करते हैं। एप्पल में आने के बाद ये देखिए, DFE मोड में आप अपनी डिवाइस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने आईफोन जो 12 है या फिर उससे ऊपर वाले हैं, यानी 15, 15 प्रो, 15 से भी ऊपर जो भी आपके आ रहे हैं, उसे आप यहाँ पे बूट करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको ये फीचर किसी और सॉफ्टवेयर में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद बूट करवा सकते हैं, जो iOS वर्जन आपकी आ रही है 16 आ रही है, जो भी आ रही है उसको आप यहाँ पे बूट करवा सकते हैं। ठीक है, इरेज कर सकते हैं अपने मोबाइल को यहाँ पे, और उसके बाद जो एक्टिवेशन फाइलें होती हैं उनका बैकअप ले सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं बैकअप को, वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। ये हो गया आईफोन का टैब। उसके बाद सैमसंग पे क्लिक करेंगे, सैमसंग यहाँ पे कितने सारे मोबाइल यहाँ पे खुल के आ जाएंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हो जिस भी भाई का यहाँ पे इनमें से मोबाइल है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इनमें से जो भी मोबाइल है, यहाँ पे 5G मोबाइल को दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कितने सारे यहाँ पे दिए गए हैं। तो काफ़ी सारे भाइयों कमेंट आ रहे थे सैमसंग को लेके, तो इस टूल की सहायता से आप कर सकते हैं। इसमें ओथ वाले, इडियल वाले, यानी MTK क्वालकम दोनों ही देखने मिल जाएंगे, लेकिन एक्जिनोक्स CPU वाले इसमें ऐड नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए ADB मोड में आएंगे, जहाँ पे आपका मोबाइल रूट होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे EDL पे क्लिक कर लेते हैं, जिसमें आप FRP रीसेट कर सकते हैं ओनली। ठीक है, सबसे बड़ा पंगा सैमसंग को लेके FRP है भाई, यहाँ पे FRP कर सकते हैं। उसके बाद एंड्रॉइड में आएंगे, यहाँ पे रूट होना चाहिए इसको, यहाँ पे इन फीचर का इस्तेमाल करने से पहले आपका मोबाइल रूट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप सैमसंग अकाउंट हटा सकते हैं, ये सब तो बात ही नहीं करेंगे। ADB में रूट कर लिया तो उसके बाद तो कोई पंगा ही रहता भाई। उसके बाद यहाँ पे MTP में, MTP मोड में सबसे ज़बरदस्त अपडेट यहाँ पे निकल के आया है। सबसे पहले रीड इन्फॉर्मेशन तो आपको सभी में देखने को मिल जाता है, इंटर डाउनलोडिंग मोड में भी लेके जाने का ऑप्शन आपको कुछ टूलों में देखने को मिल जाता है। MTP मोड में फैक्ट्री रीसेट करने का ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलता, जो कि इसमें दिया हुआ है। और उसके बाद रिमूव FRP का ऑप्शन, ये नया वाला यहाँ पे दे दिया गया, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसमें न्यू ऐड कर दिया गया। उसके बाद रिमूव FRP न्यू वाले जो आपके मोबाइल आ रहे हैं उसके FRP हटा सकते हैं। कनॉक्स बाईपास करने का ऑप्शन आपको देखने मिल जाता है, MDM भी इस सॉफ्टवेयर की सहायता से आप बाईपास कर सकते हैं। उसके बाद न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू QR कोड आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले MTP मोड में आपको अपना मोबाइल यहाँ पे कनेक्ट करवाना पड़ेगा। 100% वर्किंग सॉफ्टवेयर है, QR कोड के जरिए आप FRP बाईपास कर सकते हैं, चाहे इसमें आपका मॉडल दिया हो या ना दिया, उससे कोई मायने नहीं रखता। उसके बाद यहाँ पे न्यू QR कोड भी आपको देखने में मिल जाता है। उसके बाद चेंज सीरियल नंबर भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आप सबसे पहले रीड इन्फॉर्मेशन लेंगे, उसके बाद ही इसका फीचर का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे चेंज सीरियल नंबर भी आप इस सॉफ्टवेयर की सहायता से कर सकते हैं। उसके बाद डाउनलोड मोड में जाएंगे, रीड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं, यहाँ पे जो आपकी PIT फाइलें होती है उसका बैकअप ले सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर अनब्रेक हो जाता है, आपका मोबाइल जो ऑन नहीं हो रहा है, सॉफ्टवेयर अपडेट पे रुक गया है या फिर इस प्रकार की जो समस्या होती है उसे आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे FRP रीसेट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ये कुछ होल्ड वाले हैं उसे आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे डाउनलोडिंग मोड में ऑल मोबाइल की MTK वाले जितने मोबाइल आ रहे हैं सैमसंग के, उसके FRP बाईपास कर सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे डाउनलोडिंग मोड में ले जाके यहाँ पे फॉर्मेट कर सकते हैं, सिर्फ एक ही मॉडल दिया हुआ है। उसके बाद कन्वर्टर कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे MTP टू ब्रोम मोड में लेके जा सकते हैं। ब्रोम मोड में यहाँ पे आप जो है डेड बूट रिपेयर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ऑप्शन भी इसमें दे दिया गया है, डेड बूट रिपेयर करने का ऑप्शन। फिक्स ब्रोम मोड का ऑप्शन यहाँ पे दे दिया गया है, आपका जो MTK वाला मोबाइल है वो ब्रोम मोड में ही अटक गया तो उसे फिक्स करके बाहर निकाल सकते हैं, यानी ऑन कर सकते हैं, वो डेड हो गया तो MTP मोड में MDM बाईपास कर सकते हैं वन क्लिक में। जबरदस्त अपडेट है भाई इसका। उसके बाद फॉर्मेट कर सकते हैं आल वाले आल मोबाइल सैमसंग के जितने भी आ रहे हैं उसे फॉर्मेट कर सकते हैं, अगर आप रीसेट करना चाहें तो ब्रोम मोड में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो कन्वर्ट होएगा, ये कहने का मतलब अगर आपका मोबाइल MTP मोड में तो ये ब्रोम में ऑटोमेटिकली जाएगा, उसके बाद ये यहाँ पे जो है रीसेट कर पाएगा। ब्रोम मोड में FRP रीसेट कर सकते हैं, ये सभी पे काम करने वाला है। उसके बाद फ्लैशिंग ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल ही जाता है, लगभग फ्लैश तो आप और किसी में भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें और भी अच्छी तरह से यहाँ पे फ्लैश करने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। सैमसंग के बाद ओप्पो पे यहाँ पे क्लिक करते हो, जो है ओप्पो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओप्पो का एक टैब आपको खुल के नजर आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले EDL मोड में आप यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। EDL मोड का मतलब हो सकता है आपका टेस्ट पॉइंट से भी हो सकता है, क्वालकम का है तो MTK का है तो आपका वॉल्यूम अप एंड डाउन दबा के भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद EDL मोड में रीसेट फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, EMMC इरेज कर सकते हैं यहाँ पे, फैक्ट्री रीसेट EMMC यानी कि EMMC आपकी, और UFS को भी आप फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। जैसा ही पता है कि EMMC आती है आपकी, एक UFS आती है, न्यू वाले मोबाइल में UFS आ रही है,
वो इस पे क्लिक करेंगे, और जो पुराने वाले मोबाइल आ रहे हैं आपके फैक्ट्री रीसेट करने हैं, वो EMMC होते हैं, उस पे इस पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। वरना आपको नहीं पता है तो आप दोनों पे ट्राई कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीसेट FRP, यहाँ पे FRP रीसेट करने का ऑप्शन भी देखने मिल जाता है, EFS और EMMC दोनों का। उसके बाद एंड्रॉइड में आएंगे, यहाँ पे ADB मोड का फीचर है, जो कि यहाँ पे हम बात ही नहीं करेंगे। ADB मोड का तो काफ़ी ज़्यादा पंगा होता है भाई, ADB मोड इनेबल करेंगे उसके बाद ही हो पाएगा। उसके बाद यहाँ पे ओप्पो हो गया, शोमी पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। शोमी पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो कितने सारे मोबाइल यहाँ पे आ जाते हैं शोमी के भी। उसके बाद ADB मोड की यहाँ पे बात नहीं करेंगे, वैसे ADB मोड में ADB इनेबल करके आप EMI नंबर आप अपने मोबाइल का रिपेयर कर सकते हैं। फास्ट बूट मोड में आने के बाद फास्ट बूट वाले भी यहाँ पे काम नहीं करते, बाकी आप देख सकते हैं जो काम करते हैं उसी बात करेंगे। यहाँ पे फॉर्मेट कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं जो आपके MI वाले मोबाइल आ रहे हैं, MI अकाउंट आप यहाँ पे डिसेबल कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं MI अकाउंट को। उसके बाद तो ये यहाँ पे फास्ट बूट मोड में फ्लैश कर सकते हैं, यहाँ पे फ्लैशिंग ऑप्शन देखने मिल जाता है, फ्लैश हो जाती है MI के मोबाइल फ्लैश हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे रियलमी पे क्लिक करेंगे, रियलमी पे क्लिक करने के बाद रियलमी के मोबाइल आ जाएंगे। ADL पे क्लिक करेंगे, फैक्ट्री रीसेट रीसेट FRP वाले वही है, एंड्रॉइड में भी वही है, कुछ भी यहाँ पे चेंजिंग नहीं है। उसके बाद इन्फिनिक्स पे क्लिक करेंगे, इन्फिनिक्स पे आने के बाद यहाँ पे रीसेट FRP का ऑप्शन ही दिया हुआ है इन्फिनिक्स में, और कुछ भी नहीं है। एंड्रॉइड में आएंगे, यहाँ पे एंड्रॉइड में लैंग्वेज वैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन आपको देखने मिल जाएगा। उसके बाद हवाई पे क्लिक करेंगे, हवाई पे आने के बाद यहाँ पे ADL में फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, और यहाँ पे एंड्रॉइड में आने के बाद भी फैक्ट्री रीसेट ही कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे FRP रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद वीवो पे क्लिक करेंगे, वीवो में कितने सारे न्यू मॉडल यहाँ पे दे दिए गए, आप अपना मॉडल इसमें देख सकते हैं भाई, जबरदस्त सॉफ्टवेयर है। ADL मोड में फैक्ट्री रीसेट रीसेट FRP का ऑप्शन है, यहाँ पे वो सब सेम है। उसके बाद नोकिया पे आएंगे, नोकिया पे आने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो नोकिया में भी लगभग सेम ही है रीसेट FRP वाले। आसूस में आएंगे, आसूस में आने के बाद भी यहाँ पे कोई खास नहीं है, लेकिन एक भाई SPD को लेकर काफी कमेंट कर रहा था। SPD का मैं यहाँ पे फुल डिटेल में बता देता हूँ। SPD मोड में यहाँ पे ये देखिए एक न्यू टैब आपका खुल के आ जाता है। SPD मोड में, डाउनलोडिंग मोड में है, ADL मोड में है, या फिर जो भी आपका यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा कैसे आप कनेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद देखिए SPD के जितने भी CPU आ रहे हैं सब आपके यहाँ पे आ जाएंगे, जितने मॉडल में लगा हुआ है। आप रीड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, FRP रीसेट कर सकते हैं, वो सब आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। ये सब एक ही है, कोई जो है टेंशन वाली बात नहीं। सबसे पहले एक ट्राई करो, नहीं हो रहा दूसरा ट्राई करो, तीसरा ट्राई करो, इस प्रकार से दिए हुए हैं। इरेज FRP, इरेज FRP प्लस फैक्ट्री रीसेट प्लस FRP, ये सब कुल मिला के घुमा फिर आगे बात वहीं आ जाती है। तो जबरदस्त सॉफ्टवेयर है भाई, यहाँ पे इसको कट कर देते हैं। और यहाँ पे एक और दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है ADB वाला, यहाँ पे EMI नंबर रिपेयर कर सकते हैं। ये लीजिए EMI का ऑप्शन आ गया, सबसे जबरदस्त सॉफ्टवेयर है SPD के लिए भाई। कोई ढूंढ रहा है ना EMI नंबर रिपेयर करने का तो जबरदस्त है। मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया भाई, मैं बता दूं इसको ट्राई करने वाले नेक्स्ट टाइम जब भी मेरे पास कोई SPD वाला डेड मोबाइल आएगा उस पर ट्राई करने वाले। तो ये देखिए ADB इनेबल करना पड़ेगा, देखिए वो कोड होता है कुछ, या फिर आप जो है अबाउट फोन में जाके बिल्ड ID पे वहाँ पे 3-4 बार टाइप करेंगे, उसके बाद डेवलपर ऑप्शन इनेबल होगा। डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद वहाँ पे जो है इनेबल करना पड़ेगा आपको, ADB इनेबल करना पड़ेगा वहाँ पे जाके। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे कई ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि आपको ADB मोड में आपको देना है, टेस्ट मोड में आपको देना है, यहाँ पे उसके बाद फैक्ट्री टेस्ट मोड में आपको कनेक्ट करवाना, वो आप देख सकते हैं। ADB में ये ऑटोमेटिक इनेबल कर लेगा। उसके बाद फैक्ट्री रीसेट पावर ऑफ कर सकते हैं, और वरना यहाँ पे राइट रीड EMI नंबर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद डाउनलोडिंग टूल में आप यहाँ पे फ्लैश कर सकते हैं अपने मोबाइल को। SPD का तो सबसे जबरदस्त यहाँ पे मैं इसे बोल सकता हूँ, SPD का तो जबरदस्त अपडेट इसमें दे दिया गया है। SPD के बाद यहाँ पे यूनिवर्सल फ्लैशिंग ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, फ्लैशिंग शायद वहीं पे जाके ना खुल जाइए, यहाँ पे फ्लैश भी कर सकते हैं। यूनिवर्सल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे रीड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बैकअप बना सकते हैं, इरेज FRP कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं NV डाटा, NV राम फाइलों को बाईपास कर सकते हैं, रीड RPMB, राइट RPMB, ये ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है। SPD का एक भाई का कमेंट था, जबरदस्त सॉफ्टवेयर है भाई इसमें करके देख, 100% होएगा, और मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। अनलॉक बूट लोडर, रीलॉक बूट लोडर, इरेज FRP और जो है सैमसंग के मोबाइल की इरेज FRP आपको देखने मिल जाती है। फॉर्मेट डाटा कर सकते हैं, फॉर्मेट डाटा MI अकाउंट हटा सकते हैं, डिसेबल MI अकाउंट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे EMMC और UFS दोनों दिए हुए हैं, आप कुछ भी सिलेक्ट कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यूनिवर्सल फीचर होते हैं ये आपके लगभग सभी पे काम कर जाते हैं। उसके बाद ऊपर वाले टैब में आएंगे, यहाँ पे अनलॉक का ऑप्शन आपको देखने मिल जाएगा, अनलॉक आप यहाँ पे कर सकते हैं ADL मोड में, वही फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मीडिया टैक में आएंगे, मीडिया टैक में आप यहाँ पे फ्लैश कर सकते हैं। उसके बाद वन क्लिक वाले ऑप्शन आपको देखने मिल जाते हैं मीडिया टैक में, यहाँ पे रीड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं, इरेज RPMB और जो है जो आपके NV डाटा NV राम फाइल होती है उसे इरेज कर सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं, उसका MDM बाईपास कर सकते हैं। इन्फिनिक्स टेक्नो वाले जो मोबाइल हो रहे हैं उसका MDM भी आप बाईपास कर सकते हैं, बहुत बाईपास कर सकते हैं। यहाँ पे RPMB रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, RPMB को अनलॉक बूट लोडर कर सकते हैं, रीलॉक बूट लोडर कर सकते हैं,
इरेज एफआरपी कर सकते हैं, इरेज एफआरपी सैमसंग वाले कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं ओल्ड वाले जितने मोबाइल आ रहे हैं सैमसंग के मोबाइल की, यहाँ पे एफआरपी रीसेट कर सकते हैं, जो लॉस्ट मोड है उसे भी आप ऑफ कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। भाई इतना ज़बरदस्त यार, इतने सारे फीचर भाई, कमाल है। उसके बाद यहाँ पे मीडिया टेक में यहाँ पे आएंगे, एक मीटा मोड का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे मीडिया टेक में, और उसके बाद मीटा मोड का ऑप्शन, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, यहाँ पे एफआरपी हटा सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं एफआरपी को, और एसपीडी वाले के तो यहाँ पे रीड इन्फॉर्मेशन और फॉर्मेट, भाई यहाँ पे फॉर्मेट कर सकते हैं, दो ही ऑप्शन यहाँ पे एसपीडी में दिए गए हैं, लेकिन कोई खास नहीं है। एसपीडी का देखना तो यहाँ पे आके आप देख सकते हैं, वो सबसे ज़बरदस्त दिया हुआ है, दिया है। उसके बाद यहाँ पे क्वालकम में आएंगे, क्वालकम में आने के बाद वही सब फीचर है जैसे कि मीडिया टेक में देखने को मिलते हैं, वैसे यहाँ पे क्वालकम में दिए गए हैं, लेकिन जबरदस्त। देखिए ओप्पो A3s, ओप्पो A5, A7, रियलमी C1, C2, ये आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं भाई, इतना जबरदस्त अपडेट आ गया है अब तो, कमाल है भाई। उसके बाद रीड की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, एनवी डाटा, एनवी राम फाइल, ओथ बाईपास, रीड RPM भी, राइट RPM भी, अनलॉक बूट लोड रीड, सैमसंग वाली ये सब है, लेकिन ये वाला यहाँ पे अलग से ऐड कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे फ्लैशिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हैं भाई, क्वालकम का भी क्या जबरदस्त लेके आए यार, जबरदस्त। मीडिया टेक में आएंगे, मीडिया टेक में आने के बाद यहाँ पे वो सब फीचर देखने मिल जाते हैं जो आपको दूसरे टूलों में देखने को मिलते हैं, रीड इन्फॉर्मेशन हाई स्पीड में फॉर्मेट कर सकते हैं, ब्रो मोड में फोर्स कर सकते हैं, ऑटो रिबूट कर सकते हैं। ये मेरे को समझाने पड़ेंगे भाई प्रैक्टिकल, मैं भी इस बात को मानता हूँ, काफी भाई कमेंट करते हैं प्रैक्टिकल बताया करो भाई, प्रैक्टिकल का कुछ फंडा ऐसा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को 5-4 मोबाइल लेके ही खरीद के ही रखने पड़ेंगे आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने के लिए, क्योंकि कस्टमर क्या पता किस टाइम आए, फिर आता है तो डंडा दे देता भाई, मेरे को तो अभी करके दे, अभी करके दे, तो इस प्रकार की काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और जो EMMC डेड वाले सेट होते हैं वो मैं रात को करता हूँ भाई, एक बार रिपेयर हो गया उसके बाद EMMC दोबारा तार के दोबारा लगा के थोड़ी दिखाऊंगा आपको, तो ये कुछ प्रॉब्लम होती है, इसका समाधान कुछ ना कुछ निकालेंगे, ज़रूर निकालेंगे जल्द। और उसके बाद यहाँ पे जो आपके ऑनर वाले मोबाइल आ रहे उसका ऑप्शन आपको देखने मिल जाता है, होनर वाले यहाँ पे आप सीपीयू सेलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पे सीपीयू सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सर्वर से अनलॉक बूट लोडर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आपके ये वाले होनर वाले जो मोबाइल आ रहे हैं उसका बूट लोडर अनलॉक 100% होगा, ये सर्वर से कनेक्ट होकर ऑटोमेटिक कर देगा, बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, और यहाँ पे FRP रीसेट कर सकते हैं, बाईपास FRP कर सकते हैं, और रीसेट भी कर सकते हैं अपने मोबाइल को, फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ पे पार्टीशन मैनेजर का ऑप्शन आपको देखने मिल जाता है। कुल मिला के हवाई का भी जबरदस्त अपडेट है भाई, इतना जबरदस्त सॉफ्टवेयर मैंने आज तक दूसरा देखा ही नहीं है, इतने सारे अपडेट इसमें दे दिए गए हैं एक साथ। एसपीडी का EMI नंबर रिपेयर कर सकते हैं भाई, और यहाँ पे होनर वाला जबरदस्त दे दिया है, क्वालकॉम वाले दे दिया है, मीडिया टेक वाला दे दिया, सैमसंग दे दिया, और क्या चाहिए भाई। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक और बात बता दूं, सबसे पहले मैं इसे यहाँ पे कट कर देता हूँ, आपको इस टूल को यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको इस टूल को यहाँ पे स्टार्ट टूल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये टूल यहाँ पे शायद सबसे पहले क्लोज करना पड़ेगा, उसके बाद देखिए दोबारा ओपन करता हूँ, और उसके बाद स्टार्ट पे यहाँ पे जैसे ही मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और उसके बाद यस पे जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, उसके बाद यहाँ पे ये टूल आपको सबसे पहले एक बार रजिस्टर करना पड़ेगा। काफी भाई कमेंट होते हैं कि भाई बता तो दिया करो कैसे चलता है क्या होता है, तो ओके कर दिया, उसके बाद शायद दोबारा यहाँ पे क्लिक, ये हो गया, हो गया ठीक है, हो गया ये। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर अकाउंट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक यहाँ पे टैब खुल के आएगा, यहाँ पे यूजर नेम आपको दे देना, जो भी आपको देना है, ईमेल आईडी दे देनी है, पासवर्ड जो देना चाहे दोबारा से पासवर्ड दे देना है, हार्डवेयर आईडी आपको देनी है। मैं बताता हूँ हार्डवेयर आईडी कहाँ पे मिलेगी, कुछ भाई यहीं पे कन्फ्यूज हो जाएंगे। उसके बाद जो ये लिखा हुआ है ये हर बार चेंज होगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है, कभी इसकी कॉपी मार दो, ये हर बार चेंज होगा। अब हार्डवेयर आईडी बता दूँ, हार्डवेयर आईडी ये दी हुई है, ये आपको मैनुअल टाइप करनी पड़ेगी, जैसे 4147 उसके बाद ये स्पेस दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे माइनस का निशान दिया हुआ है, ये ऐसे ही लगाना पड़ेगा। इसको लगा के आप यहाँ पे जैसे ही रजिस्टर पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देंगे, आपका यहाँ पे सक्सेसफुल रजिस्टर हो जाएगा, उसके बाद उसमें आईडी पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। कुल मिला ये जबरदस्त टूल है भाई, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ऐसे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो यार जितना हो सकता है भाई, सब्सक्राइब करो यार, दबा के सब्सक्राइब करो, जबरदस्त एक से एक सॉफ्टवेयर लेके आने वाला हूँ भाई आपके लिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब कर लो भाई, रिक्वेस्ट है प्लीज, सारे भाई मिलके चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो यार।